ये है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का सबसे खतरनाक जंगल। ये जंगल पूरे 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर ठंडी के मौसम में तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री तक रहता है और गर्मी के मौसम में यहाँ पर तापमान पार के 30 से 40 डिग्री तक हो जाता है। अभी यहाँ ठंडी का मौसम है, इसलिए इस मौसम पर यह खतरा दो गुना बढ़ जाता है। इस जंगल पर बाघ, हाथी और भी बहुत सारे खतरनाक जंगली जीव रहता है। अगर आप कभी इस जंगल पे आए तो आपको बहुत ही बारीकी से काम लेना होगा। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे जिंदा टिके रह सकते हो। इस पूरे घने जंगल में एक मुश्किल ये है कि यह ना लहरें है, ना नदियाँ और ना ही झीलें, इसलिए यह पानी मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद जंगल में मौजूद किसी गड्ढे में या गुफा में हो सकता है। मगर इन घने झाड़ियों पे ऐसी किसी भी चीज को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। वो देखो वहाँ बेलडिक, ये बेलडिक का पेड़ इस बार मेरे बड़े काम आ सकता है। वैसे भी मुझे बेलडिक पसंद है, कोशिश करते कि उनमें से कुछ को नीचे गिरा सकूं। ये फल पेड़ों की ऊंची डालियों में उगता है ताकि वो जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। मैं इसी को तो पाना चाहता हूँ। और मुझे इतना भूख लगा है कि मैं इसे नीचे ले जाने बजाय यही खत्म करना चाहूंगा। बेलेडिक हमारे लिए प्रकृति के एक वरदान है। ये कैलोरी, प्रोटीन और फायदेमंद वसा से भरा हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट है और मुझे बेलेडिक पसंद है। अगर मैं किसी रेगिस्तान में फंस जाऊं तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास यही फल हो। पेट तो भर चुका, आप यहां से चलना चाहिए। मुझे सीधे नदी की ओर जाना होगा क्योंकि वही किसी के मिलने की उम्मीद है। मैं जल्द से जल्द नदी की ओर पहुंचना चाहता हूं ताकि मुझे इस जंगल में रात न बिताना पड़े। खाना तो हो गया और बात के लिए भी थोड़ा ले लिया, पर अभी तक मुझे पानी नहीं मिला। पिछले साल एक हाइकर बचा जाने से पहले इस जंगल में पूरे एक हफ्ता तक भटकता रहा। उसने काहे की झुंडों से पानी चूस चूस के खुद को जिंदा रखा। मैं बहते हुए पानी की तलाश में हूँ। किसी गड्ढे या चट्टान में जमा हुआ पानी एक ही जगह रुका हुआ होता है और रुका हुआ पानी बैक्टीरिया का घर होता है, साथ ही उसमें जानवरों का मल मूत्र मिला हो सकता है। मुझे नदी की ओर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, पर वो भी आसान नहीं होगा। दोपहर का ये चमचमाता सूरज बहुत गर्म है और इसके ठीक सर पर उठने की वजह से दिशा का ध्यान रखना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, खासकर इन घने झाड़ियों में, क्योंकि वो मेरे सर के काफी ऊपर तक जा रहा है। वैसे भी मुझे यह घुटा घुटा सा महसूस हो रहा है, इसलिए कोई खुली जगह ढूंढना ही होगा। कहीं खुली जगह मिल जाए तो सूरज ठीक से दिखाई देने लगेगा और फिर उसकी परछाइयों की मदद से सही दिशा भी ढूंढ लूंगा, लेकिन इन घने जंगल में यह बिल्कुल नामुमकिन है। अचानक पेड़ खत्म हो गए। आप मेरे लिए सही दिशा का पता लगाना काफी आसान होगा, लेकिन एक दिक्कत है, आप मैं सही दिशा जानने के लिए सूरज की मदद नहीं ले सकता। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है, मतलब सही दिशा जानने के लिए उसकी मदद नहीं ले सकती,
लेकिन ये काम हवाओं से तो हो सकता है ना। पैसिफिक ट्रेड ब्रिज नामक ये हवाएं हमेशा एक ही दिशा में आती है, इसीलिए एक जमाने में नाविक व्यापारियों ने इसे ये नाम दिया। ट्रेड ब्रिज नामक ये हवा हमेशा उत्तर पूर्व की ओर से आती है। अगर मैं अपना कंधा उनकी तरफ रखूँ तो ये दिशा मेरे लिए दक्षिण होगी, जो मुझे सीधे नदी की ओर लेके जाएगी। ठंडी के मौसम में ऐसी इलाकों में रात काफी जल्दी घिर आता है, खासकर इन जंगलों में, इसलिए मुझे रात होने से पहले कोई आश्रय ढूंढ लेना होगा। कोई भी आश्रय बनने के लिए अच्छी जगह का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। लगता है वहाँ कुछ खुली जगह है, घर देखते हैं कैसा है। नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि यह पर कुछ जंगली जानवरों के पैरों का निशान है, जैसे कि ये उनका आने जाने का रास्ता हो, शायद जंगली शुकुर का हो सकता है। जंगली शुकुर बेहद खतरनाक होते हैं, उनकी दांत बहुत तेज होती है, अपने इलाकों की हिफाजत के लिए वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। अरे वाह, ये जगह तो काफी अच्छी है, जैसे प्रकृति ने मेरा आधा काम कर दिया हो। इस टापू पर जहरीले सांप या घातक जहर वाली मकड़ियां नहीं है, लेकिन सेंटीपीड जोक और मच्छर बहुत है। मैं किसी भी हालत में उनके साथ नहीं सोना चाहता हूँ। छत बनने से पहले हमें बिस्तर तैयार करना होगा, और ये फान अच्छे गद्दे की तरह काम करेगी। ये ठीक है कि छत हमें गीला होने से बचाएगी, लेकिन ये फान हमें नीचे से गर्म रखेगी, जबकि जमीनी हमारी ज्यादातर गर्मी सूखती है। खैर, आप छत बनाना शुरू करना चाहिए। ये पेड़ बहुत ही लंबी है और इससे छत बनाना बहुत ही आसान होगा। छत बनाने के लिए मैं इसे इस पेड़ के साथ बांध दूंगा। ये टेक्निक यहाँ की गांव के लोग घर बनाने के लिए आज भी आजमाता है। ये पेड़ की डाली छत के लिए सबसे अच्छी रहेगी। खैर, आश्रय तो रेडी हो गया, अब मुझे रात के लिए कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मुझे गर्मी देने के लिए नहीं, बल्कि कीड़ों को भी दूर रखने के लिए भी। इस जंगल के मार्शल बहुत खूंखार है, और इस आग का धुआं कम से कम कुछ वक्त के लिए उन्हें मुझसे दूर रखेगा। रात की 1 बज चुके हैं और ठंड भी बहुत लग रहे हैं, क्योंकि आग बुझ चुकी है, इसलिए मच्छर भी काट रहे हैं, और ये रात काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये इंडिया के एक जंगल का सुबह है, मेरा रात यहाँ पर काफी मुश्किल से गुजरा है, फिर भी मुझे चलना ही होगा। रात की नींद से मुझे आगे जाने के लिए काफी ऊर्जा मिल गया है, और आप तो नदी भी ज्यादा दूर नहीं होगा। अरे हुआ, देखिए खुली जगह है। मुझे उम्मीद थी कि इस जंगल को पार करते ही सामने होगा एक नदी, खूबसूरत सा एक नजारा और हवा का एक झोंकी। मेरा सफर करीब करीब पूरा हो चुका है। वहाँ मुझे एक ब्रिज दिखा दे रहा है, और मुझे उस ब्रिज तक पहुँचना होगा। ऐसी जगह बहुत कम है जहाँ हम इन धरती को आकार देने वाली इन प्राकृतिक शक्तियों के इतने नजदीक होते हैं। इन अद्भुत शक्तियों ने आज मुझे फिर से आविर्भूत कर दिया है।
स्वास्थ्य।